इतने संख्या में आप लोग गर्मी की परवाह किए बिना इकट्ठे हैं, माँ बहने भी काफी संख्या में आई हुई हैं, तो सभी लोगों को प्रणाम कर रही हूँ। आज लंबा भाषण का वक्त नहीं है, चुनावी सभा है। मैं यही कहना चाहूंगी नड्डा साहब से कि नड्डा साहब आप यहाँ आए हैं, यहाँ आपकी बहन जो है छोटी बहन लगातार संघर्ष की है। 94 ईस्वी में मैं लोकसभा का चुनाव जीती थी, वैशाली चुनाव जो बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव था, और जिस समय पूरा लालू जी का डंका बजता था उस समय में आपकी छोटी बहन ने घर से निकल करके वैशाली में उतना बड़ा बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीत हासिल की। आपको मालूम होगा उसी समय से हमारी लोकप्रियता के कारण उस समय से जो घटना हुई उसमें हमें लालू जी ने मेरे पूरे परिवार को फंसाया, आनंद मोहन जी को जेल दिया और हम लोग के ऊपर पूरा इनका निशाना चल गया। आप सब लोग को मालूम होगा जब आनंद मोहन जी निर्दोष जेल में थे तो यही शिवहर की महान जनता ने उन्हें दो दो बार सांसद बनाने का काम किया। इतना ज्यादा प्यार और स्नेह लोग यहाँ पर दिया है। विपरीत परिस्थिति में लोगों ने यहाँ शिवहर के महान जनता ने हमारा साथ दिया है। आपको मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे पास घेराबंदी हुआ है, ये लोग बहुत हमेशा हमें साथ दिया। आज हम आए हैं अनुकूल परिस्थिति में, आज अनुकूल परिस्थिति में हम लोगों के बीच जा रहे हैं। 30 साल से शिवहर से हमारा नाता रहा है, जब दो दो बार सांसद बनाए, तीसरी बार लालू जी ने ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा, 700 वोट से काउंटिंग में हराया गया, क्योंकि आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट दिए थे सरकार बचाने में और 10 वोट दिलाए थे। अगर 1 वोट से सरकार बचती तो आनंद मोहन जी के वोट से सरकार बचती, तो हमारे पीछे इस तरह से पड़ा गया है। लेकिन आपकी बहन, आपकी जो है वो हार नहीं मानी, लगातार हम संघर्ष करते गए हैं। आज आपके आशीर्वाद से चेतन आनंद बेटा शिवहर से विधायक है और उसने भी एनडीए सरकार को बिहार में बचाने का काम किया है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से रहा है, लगातार लोगों का प्यार से नहीं रहा, और विपरीत परिस्थिति में जब 16 साल से आनंद मोहन जी अंदर थे तो हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे।